मोदी के घर में AK-47 लेकर घुसा तालिबान। जी हाँ दोस्तों, जिस मंदिर को मोदी जी ने अफगानिस्तान में बनवाया था, उस मंदिर के अंदर आज तालिबान AK-47 लेकर घुस चुका है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पार्लियामेंट की, जिसे भारत ने बड़ी शिद्दत के साथ बनवाया था। आज उस संसद भवन में तालिबान के गुंडे AK-47 लहरा रहे हैं। ये बेशक भारत की हार हो सकती है, लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है दोस्तों। जानकार बताते हैं कि आने वाले समय में तालिबान के द्वारा अमेरिका के अंदर कई बड़े धमाके होने जा रहे हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगली बार राष्ट्रपति बनते हैं तो अफगानिस्तान पर परमाणु हमला भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप किस मिजाज के आदमी है आप सभी जानते हैं। जो बाइडेन जैसा डरपोक और कायर राष्ट्रपति ने अमेरिका का नाम मिट्टी में मिला दिया है। इसी कारण आज एक बार फिर से अमेरिका, भारत समेत पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगली बार राष्ट्रपति बनते हैं, तो तालिबानियों के ऊपर परमाणु हमला तय माना जा रहा है, क्योंकि तब तक अफगानिस्तान से सभी मासूम देश छोड़कर भाग गए होंगे। आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर केवल और केवल तालिबान और उसके चमचे रहने वाले हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान के तालिबान वाले इलाकों में परमाणु धमाका किया जाता है, तो अफगानिस्तान को एक नई जिंदगी मिल सकती है। तालिबान के दरिंदे आज महिलाओं की खुलेआम इज्जत लूट रहे हैं, मासूमों के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दे रहे हैं। चारों तरफ अराजकता और लूटपाट मची हुई है। दोस्तों, आप सभी याद रखना कि भारत में जो भी निर्माण कार्य अफगानिस्तान में किए गए हैं, वे बर्बाद नहीं जाएंगे। तालिबान पहले से ही भारत के सामने घुटने टेक चुका है। मोदी जी से दोस्ती के लिए अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बेचैन है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत द्वारा निर्मित पार्लियामेंट के इज्जत की धज्जियां उड़ाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं कि मामला क्या है। कबूल फतह करने के बाद तालिबान लड़ाके अब भारत के बनाए अफगानी संसद भवन में भी घुस गए हैं। हाथ में AK-47 और अमेरिकी M4 राइफल लिए इन आतंकियों ने स्पीकर की कुर्सी समेत राष्ट्रपति अशरफ गनी की सीट पर भी कब्जा जमा लिया। वायरल हो रहे इस वीडियो से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान अफगानिस्तान के संविधान और लोकतंत्र का कितना सम्मान करने वाला है। स्पीकर की सीट पर बैठे तालिबानी लड़ाके जिस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ दिनों पहले तक अफगानी संसद बैठा करते थे, उस पर अब हथियारबंद तालिबान लड़ाके उछल कूद कर रहे हैं। हाथ में बंदूक, चेहरे पर जीत की मुस्कान और बात बात में अशरफ गनी का नाम इन आतंकियों के इरादों के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। एक आतंकी तो राइफल लिए सीधे स्पीकर की कुर्सी पर जा बैठा और उनकी टोपी पहन ली। तालिबान के कब्जे के बाद भागे अफगानी राष्ट्रपति। रविवार को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने सिपा सलाड़ों के साथ देश छोड़कर भाग गए। पहले दबा किया गया कि वे NSA मोहित यूसुफ और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ ताजिकिस्तान गए हैं। बाद में खबर आई कि वे खड़ी देश ओमान पहुंचे हैं। कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि वे अब अमेरिका जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने 2015 में किया था उद्घाटन। अफगानी संसद भवन का उद्घाटन दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अफगानिस्तान की इस संसद में एक हॉल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने और मित्रता के प्रतीक के रूप में 2007 में संसद भवन परियोजना शुरू की थी। इसे 4.50 करोड़ डॉलर की अनुमानित लागत से शुरू किया गया था, लेकिन 9 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार हुआ। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।